बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फॉरेजिंग बिहेवियर, एज फार एज फॉरेजिंग बिहेवियर इज कंसर्न, तो इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग फूड, एनिमल जब फूड फाइंड कर रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। उनका जो बिहेवियर है फूड फाइंडिंग का और फिर फूड को जो है वो ऑब्टेन करने का एनवायरनमेंट से, उसके हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आज यूनिट 6 के हवाले से डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन टू फीड, व्हाट causes the animals to get food from the environment, यानी उसकी motivation क्या होती है, cause क्या होती है, social feeding क्या चीज है और ये किस तरह से feeding को increase कर देती है animals में, and then learning what to eat and what to avoid, इस चीज को हम देखेंगे। animals information share कर रहे होते हैं so that they may get food from the certain areas, from the certain source, cooperation से जो है animal अक्सर जो groups में animal रह रहे होते हैं, social animals, कोऑपरेशन से जो है वो फूड ऑब्टेन करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स और डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स में ये डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट भाई, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फीडिंग या हंगर इसकी मोटिवेशन क्या है, तो सिंपल से एक आंसर होगा, ऑब्वियसली इसकी जो है वो कॉज, रूट कॉज जो है वो हंगर होती है। ऑल एनिमल्स दे नीड टू फाइंड एंड ईट फूड टू सर्वाइव, एंड सम स्पीशीज दे फीड ऑन प्लांट्स व्हाइल अदर दे फीड ऑन द एनिमल्स, एंड थ्रू फॉरेजिंग easily described but not necessarily easily explained relationship develop between species. वो ecosystem में complex relationships आपने पढ़े हुए हैं, carnivorous जो organisms हैं उनका predator prey relationship, herbivores में plant और animal का relationship जो आप देखते हैं, mutualism है, parasitism है, there are various types of relationship built due to foraging behavior between the animals. इसमें जस्ट टू स्पीशीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जायंट पांडा, ये जो आपको राइट साइड पे स्लाइड में एक बैम्बू स्टिक जो है उसके साथ फीड करता हुआ नजर आ रहा है, और इसके अलावा सिंपल स्पीशीज की अगर हम बात करें, एक जो जनरलिस्ट और नेचुरलिस्ट की पहले हमने बात की थी कि जो जायंट पांडा है दे आर स्पेशलिस्ट स्पीशीज, दैट इज दे फीड लार्जली, नॉट एक्सक्लूसिवली बट लार्जली on the bamboo trees or bamboo leaves पे, उन पे जो है ये feed कर रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे animals भी हैं जो generally species कहलाते हैं, which feed on a variety of food, जो variety of food ले रहे होते हैं, और वो उन variety of food में से आप यूँ कह लें कि multiple animals के साथ उनके relationship built होते हैं। At a far larger scale, the relationship might involve the complicated webs, food webs involved हो सकते हैं उसमें, जैसे great white shark के हवाले से मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ अदर स्पीशी रिलेशनशिप, और इकोलॉजिकल टर्म्स में इसको आपने कई हर्बीवोर्स, प्रेडेटर्स, जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, इसके हवाले से डिस्कशन की हुई है, ये जनरल टर्म्स आपने पहले भी डिस्कस की हुई है। हंगर जो है वो प्राइम कॉज है मोटिवेशन की, लेकिन समटाइम जो है वो एनिमल्स फॉरेजिंग इसके अलावा, इसके हंगर के अलावा भी कुछ कॉजेज होती है जो फॉरेजिंग को इंड्यूस करती है। A very wide range of animal species can be classically conditioned to associate feeding time with an apparently abstract stimulus. वो conditioning reflects type 1 वाला experiment आपको यकीनन याद होगा, Pavlov conditioning में, जिसने dog को जो है वो condition किया था for food time by ringing of a bell. तो वो bell की ringing को और food को relate किया गया। सोशल जो क्यूज होते हैं, सोशल सिग्नल्स, दे मे बी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सोर्स हो सकते हैं आप कह लें कि हंगर के लिए या फॉरेजिंग बिहेवियर को शो करने के लिए। देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट सम एनिमल्स टेंड टू टेक लार्जर मील्स एट वन सिटिंग व्हेन दे शेयर द रिसोर्स विद कॉन्स्पेसिफिक्स, या अगर एनिमल्स ग्रुप में दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ बैठ के फूड ले रहे हैं तो वो ज्यादा फूड इनटेक करते हैं। इसकी जो रीजन है, presumably this behavior is advantageous because a solitary feeder may have an opportunity to return to a food resource. क्योंकि अकेला कोई animal food ले रहा है और उसको पता है कि उसी ने food जो है वो consume करना है, तो वापस उस food के ऊपर आके feed कर सकता है दोबारा से, और उसको दोबारा से chance मिल सकता है उस food को consume करने का, इस्तेमाल करने का। But in case of group, जाहिर है इस चीज के chances कम है कि वो animal दोबारा से return हो या दोबारा से उस food को जो है वो obtain करे और same amount में मौजूद हो। That's why ये behavior animals में develop हुआ है कि जब वो group members की form में, social groups की form में feeding कर रहे होते हैं तो वो normal amount से ज़्यादा food जो है वो intake करते हैं।
आपको पता है फूड इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉट ऑल फूड स्टफ्स आर ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी. दैट्स व्हाई एनिमल्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कब और कौन सा जो है फूड यूटिलाइज करना है और उसके लिए कितनी जो है वो एनर्जी कंज्यूम करनी है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस की गई है ह्यूमन के हवाले से कि ह्यूमन जो है वो कैसे डिसीजन लेते हैं कौन सा फूड खाना है किस वक्त खाना है या किस टाइम पे फूड को यूटिलाइज किया जा सकता है जो ज्यादा बेनिफिशियल हो. और फॉरेजिंग बिहेवियर में लर्निंग जो है वो एक मॉडिफाई करती है उनके फॉरेजिंग बिहेवियर को. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एज डाइवर्स एज ऑक्टोपस एंड रैट्स दे कैन क्विकली लर्न टू नेविगेट अ मेज टू रीच अ फूड सोर्स. ये हम एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं जो हमारे पास लेटेंट लर्निंग का केस था और लेटेंट लर्निंग से पहले ट्रायल एंड एरर लर्निंग उसमें हमने डिस्कस किया था थॉर्नडाइक और बीएफ स्किनर के बॉक्स में. जब रैट्स या दूसरे रोडेंट्स लर्न करते हैं क्विकली टू ऑब्टेन अ फूड फ्रॉम द स्पेसिफिक सोर्स. इनफैक्ट वाइल्ड ब्राउन रैट्स जो रेटस नॉर्विगेकस ये दो पिक्चर्स इसकी शोन है लोअर साइड पे. Numerous experiments have repeatedly demonstrated that rats that do eat bait and survive can learn very quickly. So we were discussing about wild rats, that rats also exhibit an innate level of bait shyness or neophobia. Neophobia kya cheez hai? Ke agar organisms ko kisi environment ke andar नया फूड उस पर फीड करना पड़ जाता है इन केस ऑफ स्कार्सिटी या फूड शॉर्टेज तो एनिमल आमतौर पर उसको अवॉइड करते हैं. लेकिन रेड्स के ऊपर ये ब्राउन रेड्स की बात की गई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बात सामने आई है दैट इज दे लर्न वो लर्न कर जाते हैं आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर टू अ न्यू फूड कि उसको जो है वो यूटिलाइज करना है. बट वाइल सम सेक्टर्स ऑफ द पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री डिवोट टाइम टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड बेट्स that will not be avoided by animals like rats, other do precisely the opposite. यहाँ पे बात हो रही है कि ये neophobia का behavior rats को help करता है bait से या जो poisonous objects हम इनको आगे डालते हैं इनको capture करने के लिए उससे avoid करने में और इससे इनकी survival बढ़ती है. लेकिन जब food scarcity होगी या food shortage होगी बहुत कम food available होगा तो यकीनन rats से दूसरे animals नए food को try करते हैं. यहाँ पे Starlings की बात की गई है. Sternus vulgaris given a choice between untreated food and food laced with garlic oil strongly avoid the latter. जो untreated food था उसको उसने prefer किया लेकिन जो garlic oil के साथ treat किया गया food उसको avoid किया. These birds have a good sense of smell actually and are thought to be reacting specifically to the sulfurous odor of the garlic. तो उन्होंने जो अपनी smell की sense थी उसको use करते हुए new smell वाले food को avoid किया. This is a good strategy because sulfurous smells often indicate the presence of toxic selenium in foodstuffs. Because starlings are agricultural pests, this research could have real significance in the development of commercial repellent for use of crop protection. So, isme jo hai wo starlings ko jo hai agricultural pest ke taur pe is research ko dekha gaya that this is really significant in the development of commercial repellent. Ke inke against हम किस तरह के रिपेलेंट यूज कर सकते हैं जिसमें सल्फ्यूरस स्मेल्स हों या सिलेनियम एलिमेंट्स की बात कर लें जो उनके लिए डिस्टेस्टफुल हों या जिसको ये रिजेक्ट करें. एविडेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अ पॉपुलेशन ऑफ कैप्टिव कैपुचिन मंकीज सेबस पाइला हैज डेमोंस्ट्रेटेड दैट दे मे आल्सो बी इंपॉर्टेंट इन ओवरकमिंग नियोफोबिया. इन एक्सपेरिमेंट में भी ये देखा गया कि सॉलिटरी ऑब्जेक्ट में जब एनिमल्स को अलहदा से सब्जेक्ट अलोन जब कोई अलहदा से एनिमल मौजूद था तो वो किसी नए ऑब्जेक्ट को कितना जो है वो इंटरेस्टिंगली ईट कर रहे थे. फिर सब्जेक्ट के साथ जो है वो फेमिलियर फूड जब उसको प्रोवाइड किया गया तो कितना फीड कर रहे थे. और जब उस सब्जेक्ट एनिमल को एक मंकी को ग्रुप के अंदर रखा गया और नॉवल फूड दिया गया तो फिर उसकी फीडिंग का लेवल देखे कितना ज्यादा. इट मीन्स कि इंडिविजुअली या सब्जेक्ट जो मंकीज हैं अलहदा से जो है वो फूड कम ले रहे हैं फेमिलियर फूड की बजाय जो नॉवल फूड है न्यू फूड है वो कम ले रहे. लेकिन एक ग्रुप के अंदर नॉवल फूड भी होगा तो उसको भी वो सफिशियंट अमाउंट में जो है वो एंडेवर करेंगे खाएंगे ताकि वो ज्यादा एनर्जी गेन कर सके. और उससे ये भी है कि उनको एक ये भी बिहेवियर डेवलप हो जाता है इज नॉट टॉक्सिक फॉर अदर तो फिर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है. एनिमल्स डू नॉट हैव टू रिलाई एंटायरली अपॉन देयर ओन फूड फाइंडिंग एबिलिटीज. सक्सेसफुल फॉरेजर्स वो होते हैं जो कि यूजली ग्रुप्स के अंदर फॉरेजिंग कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल
it has been suggested that the breeding colonies of some bird species may have an additional function as center for information transfer. Data to support the suggestion have been collected by several workers, and however, not all birds that breed colonially take advantage of the foraging information provided by their neighbors. सारे birds ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ birds में ऐसा होता है जैसे कि वो information gain करते हैं. मसलन black headed gulls की example quote की गई है. They are colonial. अब उनके ऊपर experiment किया गया. The fish were dumb and gull did gorge itself on them. It took the food to its nest and emptied its bulging crop to feed its noisy chick in full view of its neighbors. अब बर्ड जो है उसने एक जगह से जब फिश कैप्चर किया उससे जो है उसको लेकर अपने यंगपंस को फीड किया. द बर्ड रिटर्न टू द फिश पाइल सेवरल टाइम्स बट नो अदर बर्ड फॉलोड इट. इसका मतलब है दूसरे बर्ड्स उन्होंने इससे लर्न नहीं किया या इसको जो है वो ऑब्जर्व करने के बावजूद उस फूड को यूटिलाइज नहीं किया. इट वुड सीम देन दैट डिस्पाइट सम सीमिंगली वेरी ऑब्वियस क्यूज द अदर गर्ल्स इन द कॉलोनी डिड नॉट मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेजिंग सक्सेस that was provided ki yahan se jo fish food mil sakta hai. They did not follow. Some animal take information transfer and food sharing to a higher level and hunt in groups. Bahut se animals hain jo groups mein feed karte hain. For example, tigers ki example le le hum yahan pe, wolves ki baat kar le. Group size influences hunting success in black headed gulls. Inki baat ki ki flock of 6 birds ho to unka ye dekhiye graph kitna higher hai as compared to other number of fish captured zyada ho gaye. 3 का फ्लॉक हो तो उसमें कमी आई है, और अगर सिंगल बर्ड हो तो उसकी फीडिंग सबसे कम होगी. इसका मतलब ग्रुप साइज इनकी हंटिंग सक्सेस को तो सक्सेसफुल बनाता है, लेकिन ऐसा जो पहली एग्जांपल पढ़ी वो दूसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते. शेयरिंग अ फॉरेजिंग अपॉर्चुनिटी वाया एन इंटेंशनल कोऑपरेशन और बाय सिंक्रोनाइजिंग फीडिंग एक्टिविटी. अगर कोऑपरेशन देखा जाए तो ये भी एक एनिमल में ऑब्जर्व किया गया. मसलन किलर व्हेल्स, डॉल्फिन्स या भी दूसरे सी मैमल्स या ऑटर्स पे फीड कर रही होती हैं तो कई तरह की स्ट्रेटजीज यूज करती हैं. मसलन समटाइम इन्होंने स्ट्रेटजीज यूज करनी होती हैं बेटा कि अगर वो ये जो ऑटर्स हैं या जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं सील्स वगैरह जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं किसी आइस कैप पे तो उसके ऊपर अपने टेल्स की मदद से वाटर को जो है एक्सपेंड करके उनको पानी में लेके आएंगे, या फिर ग्रुप के अंदर पॉड फिशेस का शिकारी. पॉड फिशेस आपको नजर आ रही होंगी. किलर व्हेल्स ऐसे कहती हैं कि पॉड फिशेस को भी आमतौर पे एक ग्रुप में लाके तो अभी ज्यादा अमाउंट में गल्प करती हैं, तो हम बैक व्हेल किलर व्हेल्स इस तरह से वो ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए ज्यादा सक्सेसफुली फीडिंग कर रही होती है. सो एक्टिव कोऑपरेशन इट एनहांसेस फॉरेजिंग सक्सेस इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप रीड आउट करेंगे. इसके अलावा टाइगर्स की बात कर लें, वुल्फ्स की बात कर लें, वो भी इसी तरह से हंटिंग करते हुए मल्टीपल जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं, कोऑपरेशन से सक्सेसफुली जो है वो फूड को ऑब्टेन करेंगे. सो इट मींस एक्टिव कोऑपरेशन कैन इंक्रीज द फॉरेजिंग सक्सेस एंड इन जनरली एनिमल्स इन द ग्रुप दे ऑल्सो यूटिलाइज मोर फूड एंड गेट मोर फूड एंड एनिमल्स समटाइम दे एक्सप्लॉइट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अदर ग्रुप मेंबर्स. But some animals do not make use of these information. फिर learning can shape foraging behavior as well in various ways. कि animals जो है वो learn करते हुए foraging को कई तरह से जो है वो obtain कर रहे होंगे, foraging कर रहे होंगे. So that was all about